नमस्कार दोस्तों, डीके चिड़ियाम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 फीट बाय 50 फीट का पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें एक प्लान हमने बनाया है। बहुत ही शॉर्ट में यह प्लान आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पार्किंग का एरिया मिलता है, उसके बाद में यहाँ पर स्टेयर के दिए फ्रंट साइड में, ठीक है। मतलब 21 फीट जो है यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद में इस साइड में रोड और फ्रंट साइड में रोड है। तो यहाँ पर हमें पार्किंग के लिए जगह मिलती है। यहाँ पर एक वरांडा रहेगा, मतलब ये पोर्टिको रहेगा, उसके बाद में फ्रंट साइड में हम पार्किंग के लिए जगह रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप है, स्टेप से चढ़ के हम ऊपर के फ्लोर पर जा सकते हैं। 7 फीट का जो है हमें वरांडा मिलता है। यहाँ पर एक डोर रहेगा, यहाँ से एंट्री करते हैं हमारे इस लिविंग रूम में। अब यहाँ पर जो लिविंग रूम का साइज जो दिया गया है वो लगभग 10 फीट बाय 16 फीट का दिया गया है, ठीक है। 10 फीट जो है विड्थ है और 16 फीट जो इसका हाइट है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, 4 फीट बाय 6 फीट 8 इंच का इसका साइज दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक बेडरूम बताया गया है, 9 फीट 2 इंच बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज दिया गया है। इस साइड में एक विंडो बताया गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। यहाँ पर जो बाथरूम, यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है 4 फीट बाय 4 फीट का, और यहाँ पर फ्रंट साइड में दिया गया है किचन। अब ये जो किचन है, किचन को हम हाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो वॉल दिया गया है, इस वॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो किचन जो है हाइट हो जाएगा, या तो फिर यहाँ से हम वॉल एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है पूरा किचन जो दिया गया है, ये ओपन किचन दिया गया है, 8 फीट 10 इंच बाय 11 फीट 8 इंच का इसका साइज दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मास्टर बेडरूम बताया गया है, जिसका साइज है 10 फीट बाय 12.5 फीट का। और इससे एक अटैच वाला बाथरूम जो दिया गया है, जो अंदर से दिया गया है, लगभग 6 फीट 8 इंच बाय 4 फीट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा रूम के नज़दीक यहाँ पर एक डोर रहेगा, पीछे एक साइड की जगह यूज़ करने के लिए। यहाँ पर जो है पूरा यूटिलिटी एरिया रहेगा, लगभग 9.5 फीट बाय 9.5 फीट का, मतलब इसे हम वॉश एरिया भी कर सकते हैं। तो इस टाइप में पूरा 21 फीट बाय 50 फीट का पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें एक छोटा सा प्लान हमने बिठाया है। आशा करता हूँ आज का ये जो प्लान है आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज आ सकती है उनके प्लान के लिए, तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।